चमोली से तबाही की जो तस्वीरें हैं वो लगातार बड़ी होती जा रही हैं। इस बीच आपको बता दूं कि तस्वीरें जो हमारे पास आ रही हैं वो व्याकुल करने वाली है। इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं पूर्व सीएम उत्तराखंड हरीश रावत। रावत साहब, ये बताइए, ये जो चमोली की जो घटना हुई, तस्वीरें व्याकुल करने वाली, आपके पास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंची है? देखिए, अब जो इस समय सूचना मेरे पास लेटेस्ट है उसमें तो जो है पानी का वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन हो रहा है जी, और जो हमें श्रीनगर और नीचे के एरिया में नुकसान की संभावना थी वो थोड़ा कम हो रहा है। तो जो आशंका डर पैदा हो गया था जी, वो इससे थोड़ा कम हो रहा है जी। बिल्कुल रावत साहब, ये बताइए भगवान ने चाहा जी जी जी, श्रीनगर आते आते तक ये खतरा टल जाएगा, ऐसा मेरी जानकारी कहती है। लेकिन फिर भी सावधानी पूरी बरतने की जरूरत है, बल्कि श्रीनगर पावर प्रोजेक्ट को के पानी को कितना मात्रा में तक रखना है इस पर भी प्रशासन को निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि आप पानी जलाशयों से नीचे पहुंच चुका है और देखिए तपोवन क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। ये रैणी के ग्लेशियर के खिसकने से सारा माजरा सारा नुकसान हुआ है, और सरकारी जो सूचना है उसके अनुसार 100 के आसपास लोगों के मरने की आशंका है जी। बिल्कुल हरीश रावत साहब, ये बताइए, जितनी तबाही होनी थी वो हो चुकी है या आपको क्या लगता है? तस्वीरें आपके पास क्या आ रही है, आपके पास क्या इनपुट है सर? देखिए, जो नुकसान होना था वो हो चुका है, क्योंकि विष्णुप्रयाग में नुकसान हो सकता था वो टल गया है जी, और श्रीनगर आते आते तक क्योंकि जलाशयों में पानी का स्तर जितना लगता था कि बढ़ेगा उतना नहीं बढ़ा है जी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये समय ऐसा नहीं है, आप भी व्यस्त होंगे, लेकिन सर ये बताइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस दिशा में जा रहा है, और हमारे व्यूअर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और अभी के लिए कहाँ कहाँ जो है वो खतरा बना हुआ है। देखिए, फॉलो अप एक्शन हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो क्योंकि पानी अपने साथ जो कुछ था वो सब बहा के ले आया है। अब कितने लोग उसमें बच पाए हैं, क्योंकि छुट्टी का समय था, तो इसलिए हो सकता है कम लोग काम पर हों, मगर जो भी काम पर रहे होंगे वो तो शायद ही बच पाए होंगे। इसलिए एक डर तो है तपोवन पावर प्रोजेक्ट में, और उसमें नुकसान हुआ है जी। बिल्कुल, ये बताइए, अच्छा सर ये बताइए, ये जो भी आज घटना हुई है इसकी पहले से कोई आशंका थी? देखिए, आशंका हमको इन क्षेत्रों के अंदर प्रत्येक प्रोजेक्ट में रखनी चाहिए जी, क्योंकि ये क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र है, प्रकृति के बहुत नाजुक क्षेत्र है, तो वहाँ आज तक साइंस इतना एडवांस है कि हमको आशंका को हम टाल नहीं सकते यदि कोई अनहोनी होनी होती है, लेकिन उससे बचाव के उपाय कर सकते हैं यदि थोड़ा सा समय पर जानकारी हो जाए जी। बिल्कुल, देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो पहुंच रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं सर मौके पर? देखिए, मैं बहुत दूर हूँ, अच्छा, इसलिए मेरा मौके पर पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि उसके लिए संसाधन चाहिए है, और उनके वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुंच सकते हैं, मेरे लिए वो संभव नहीं है, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से सबके संपर्क में हूँ, अपने सहयोगियों से, पार्टी के और सामाजिक कार्यकर्ताओं से, तो उस आधार पर मुझे जो जानकारियां मिली है, मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि ये समय कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है जी। बिल्कुल, देखिए जैसा कि सर आप पूर्व सीएम हैं, अभी सरकार के किसी लोगों के साथ आपका संपर्क है सर, किसी से आपकी बात हुई है? ना, मैंने तो मैंने केवल स्थानीय आधार पर अपने जो पूर्व मिनिस्टर हैं, MLA हैं, मैंने उनको जरूर कहा, मैंने कहा आप घटना स्थल पर वहां पहुंच करके जो है जो भी मार्गदर्शन हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दीजिए, और वो जिला पंचायत की हमारे वहां के अध्यक्ष वो घटना स्थल पर पहुंच जी। बिल्कुल रावत साहब, आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल ये है रावत साहब, जैसे सुबह से हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं, बहुत डरावनी सी लगती हैं। सर ये बताइए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस दिशा में जा रहा है?
कहा कि इस तरीके का सैलाब होता है जिसमें बहुत करना मानव के लिए संभव नहीं रह जाता जब ऐसी घटना होती है। केवल पूर्व सूचना दे करके जो प्रवाह हो सकने वाले डाउनस्ट्रीम एरियाज है उनसे लोगों को बचाया जा सकता है, वो डाउनस्ट्रीम एरिया के लोगों को बाहर निकाल दिया गया, जहां जहां ऐसी स्थिति थी उसे लोगों को हटाया जा चुका है। तो इसलिए जहां पहले नुकसान होना था अनहोनी थी, दुर्भाग्य से वो अनहोनी घट चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, इन्होंने बताया कि अभी जो है वो घटना स्थल पर वो नहीं पहुंच सकते, इसी के साथ वहां पर जो खतरा है वो भी टलता सा नजर आ रहा है, लेकिन स्थिति जो है वो शाम तक ही साफ हो पाएगी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। आपको बता दूं ये जो जल प्रलय आया है चमोली में बहुत बड़ा है, अभी तक किसी के भी हताहत होने की जो खबरें हैं वो क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आई हैं। पहले बताया गया था कि 50 लोग लापता हैं, लेकिन अब 150 लोगों के लापता होने की हम लोगों को जानकारी मिल रही है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार आपके साथ है और लगातार आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहा है।